लेकिन यही सवाल पूर्वोत्तर में जाकर बदल जाता है, वहां भाषा और संस्कृति से जुड़ा सवाल हो जाता है। पूर्वोत्तर के लोग कहते हैं कि घुसपैठियों को धर्म के आधार पर विभाजन करना गलत था जो ये कानून कर रहा है, जबकि यहां सरकार धर्म के आधार पर घुसपैठियों को बसा रही है, इसका विरोध हो रहा है वहां पर। अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस को नहीं समझा पा रहे हैं तो उन्हें पूर्वोत्तर के राज्यों को समझाना चाहिए, एजीपी को समझाना चाहिए जो असम में उनकी सहयोगी है, जो सुप्रीम कोर्ट गई है। हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में पूर्वोत्तर में इस कानून के विरोध को लेकर, उसकी प्रकृति को लेकर कोई बहस होती तो आपको पता चलता कि एक कानून की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनौतियां पैदा हो गई हैं। असम में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अखिल गोगोई को 12 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को अखिल को जोरहाट से गुवाहाटी लाया गया हवाई जहाज से। अखिल गोगोई को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। उन पर आतंकवाद, राजद्रोह, माओवादी पार्टी से लिंक होने का आरोप है। उनके वकील इसे राजनीति बताते हैं। अखिल गोगोई नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, क्या ये संयोग नहीं है कि तभी उनकी इन आरोपों में गिरफ्तारी होती है? विपक्ष के नेता ने कहा कि हम अखिल गोगोई के प्रदर्शन करने के तरीके से सहमत नहीं हैं, लेकिन वे आतंकवादी नहीं हैं। असम के बड़े बुद्धिजीवी हिरेन गोहेन ने लिखा, रणदीप हमारे सहयोगी से कहा है कि अखिल गोगोई देश के खिलाफ कभी नहीं रहे, सरकार के खिलाफ जरूर रहे हैं। And our definitely our contention was we have denied all those allegations and politically motivated allegations. That's what we contended. And ultimately, this is not the stage where this factual correctness of these things to be decided. He's against the government. Does not mean that he's against the state. There's a vast difference between the two.